Disses mais pata, tomou tu dobe essas quietas e parte. Chapata é, tem um chapata aí, tem. Cala que é armar. निमरा राठर है, मैं एजस बांडीपुरा से हूँ। आज जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, एक टावर गिर गया है बीबीटी लाइन का, इससे बड़ी तश्वीश है लोगों में कि किस तरीके से इन्होंने लाइन लाई थी जो एजस के बीचों बीच में जा रही है। जो लाइन ये कहीं से भी ले सकते थे, स्टेट लैंड में से ले सकते थे, या यहाँ पे मतलब जो दूसरा लैंड है हमारा यहाँ फॉरेस्ट लैंड, वहाँ से ले सकते थे। हर एरिया से इन्होंने तो फॉरेस्ट लैंड से ही लिया है, लेकिन एजस में ही इन्होंने बीचों बीच एजस के लाई है ये लाइन, जो लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए काफ़ी खतरा बन चुका है। अगर अभी तो इस पर लाइन नहीं लगी थी तो पावर नहीं था, अगर इलेक्ट्रिसिटी होती इन लाइनों पर, तो अगर ऐसा इंसिडेंट उस टाइम होता तो क्या हुआ होता, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। कौन है इसके जिम्मेवार जिन्होंने ये लाइन बीचों बीच एजस में ले ली? तो इसके लिए हमें आगे आना चाहिए और मीडिया को भी हमें सपोर्ट देना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ एजस में वाका ना हो। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा से गुजारिश करता हूँ, आप फिर एक बार देख लीजिए कहाँ से लाइन ली आपने। आपने तो एजस के लोगों के गर्दनों पर तो तलवार रख के ले ली है, ये ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी ज़मींदार आपको तो लैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकारी लैंड तो नहीं है, ये तो किसी की जागीर नहीं थी, ये तो लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ से आपने लाइन ली और उनके दरख्त काटे। तो कितने दरख्त काटे, कितने दूसरे नुकसान हुआ है लोगों का, इसका तो आपको अंदाज़ा है। लगभग 100 अखरोट के दरख्त काटे गए हैं यहाँ पर, तो इसका कोई मोल नहीं है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसके लिए डीसी साहब आप आगे आइए, देखिए लोगों की राय क्या है, और आपके पास काफ़ी स्टेट लैंड है एजस में, आप वहाँ से ले लीजिए इस लाइन को, लेकिन लोगों पे जुल्म मत कीजिए, लोगों के गांव के बीच बीच मत ले लीजिए। इससे अगर कोई खतरा, कल कोई कोई भी इंसिडेंट हुआ तो वो आपका, उसका जिम्मेवार कौन होगा? थैंक यू।